तो जो स्नेल्स लॉ हमारे पास आया था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किस सिचुएशन में, अगर अब हम वापस से बात करें स्नेल्स लॉ की, तो अगर ये आई है ये आर है, अब इन जनरल मैं इसको मीडियम वन बोल देता हूं और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसको मीडियम टू बोल देता हूं, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू बोल देता हूं, इसकी स्पीड वी वन ऊपर वाले फर्स्ट मीडियम में और इसके अंदर इसकी स्पीड वी टू, देन जो ये साइनाई, देन अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा था, इसमें अगर स्नेल्स लॉ लगाए तो पॉइंट ओ पर, ये पॉइंट ओ मान लिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रेक्टेड रे, इंसिडेंट रिफ्रेक्टेड, तो इस पर स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या लिखना था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू मिल रही थी ये मिल रही थी साहब वन म्यू टू, यानी कि म्यू टू अपॉन म्यू वन का जो आंसर आ रहा था वही रेशियो यहां पर कॉन्स्टेंट का काम कर रहा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू रूट थ्री आ रही थी, तो देखा गया कि उसी सेम पेयर के लिए अगर इस सिचुएशन में आई की वैल्यू मान लो मैंने दे रखी थी 60 और इसकी 30, तो अगर इसका आंसर इस वाले मीडियम वन मीडियम टू के लिए अगर रूट थ्री आ रहा था तो पता चला कि एक्चुअल में वो रूट थ्री आंसर म्यू टू अपॉन म्यू वन का था, म्यू टू अपॉन म्यू वन का। तो इसका मतलब अगर म्यू टू अपॉन म्यू वन का आंसर भी रूट थ्री हो और साइन आई अपॉन साइन आर का भी आंसर रूट थ्री हो, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, और म्यू टू और म्यू वन क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के प्योर रेशियोज हैं, इसका मतलब ये भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ही देंगे कंपल्सरी। भाई इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, इसकी भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड करोगे तो एक थर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, यानी कि एक पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ही बनेगी, कोई कांस्टेंट नंबर ही बनेगा, तो ये कांस्टेंट नंबर ही कौन है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसको ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो ये कहलाता है पूरा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, विच इज नथिंग विच रिप्रेजेंट द रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द पेयर ऑफ द मीडियम। जो मैंने कहा था कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ये हो गया वो मॉडिफिकेशन, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट कौन है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसको रीड क्या करेंगे, वन म्यू टू, रीड क्या करेंगे, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। हाँ भाई कितनों को समझ में आ गया, भाई ध्यान एक चीज और देनी है, बुक्स के अंदर म्यू टू को एन टू लिखा हुआ मिल जाएगा, एन वन लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि आपको इस जगह पर बुक्स के अंदर आपके लेवल पर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है N2 अपॉन N1, और इसी को लिखा हुआ मिलेगा, इसी N2 अपॉन N1 को लिखा हुआ होगा 1N2, या तो ऐसे या फिर ऐसे 1N2, तो N ही यहां पर क्या बोला जा रहा है, फिर उन्होंने अलग से डिफाइन कर रखा होगा, वेयर N1 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, N2 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, बट क्योंकि हम हायर क्लासेस के अंदर हमेशा सिंबल जो प्रेफर करते हैं वो म्यू ही करते हैं, so it is better कि हम n की जगह डायरेक्टली अभी से याद रख लें। उनका सोचना ये था कि यार बच्चा इसको प्रोनाउंस कर पाए ना कर पाए, म्यू देख करके उसकी म्याओ म्याओ तो नहीं हो जाए, ऐसा कुछ हो रखा हो, नहीं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हो, मैंने कर दिया, मैं प्रेफर यही करता हूँ, आप भी प्रेफर यही करें, तो ये चीज क्लियर है भाई।